आज का ये प्रोग्राम जश्न आजादी, मेरी पहली हाजिरी साजिद प्रतापगढ़ी साहब का हुक्म है। और मैं भी सोचा कि आज एक नई जगह पे जाऊं, इंशाल्लाह हो सकता है कि वहां से कुछ लोगों से मोहब्बत बढ़ जाए। और चार मिसरे से मैं अपनी सीधी सफर का आगाज करता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग मुझे हौसला दे, थोड़ा ताली बजाकर पढ़ने की इजाजत दे। और यहीं से शुरू करता हूं मैं। रहना है हमको शान से हिंदुस्तान में, रहना है हमको शान से हिंदुस्तान में, आने न देंगे कोई कमी आन बान में। रहना है हमको शान से हिंदुस्तान में, आने न देंगे कोई कमी आन बान में। हाकिम नए बने की हुकूमत नहीं बने, गाते रहेंगे गीत तिरंगे की शान में। बहुत खूब दोबारा गाते रहेंगे गीत तिरंगे की शान में। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ, समाप्त करें कि तुम अपने देश के ऐसे मुरीद हो जाओ, तुम अपने देश के ऐसे मुरीद हो जाओ, तुम अपने देश के ऐसे मुरीद हो जाओ, जो वक्त आए तो अब्दुल हमीद हो जाओ। क्या बात है यार, तालियां बजा दो एक बार। शुक्रिया भाई, थोड़ा सा आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, चांद लगा दिया। मोहब्बत से सुनिएगा तो मेरा हौसला और बड़ा होएगा कि तुम अपने मुल्क के ऐसे मुरीद हो जाओ, जो वक्त आए तो अब्दुल हमीद हो जाओ। और जमाना नाश करेगा तुम्हारे ऊपर भी, वतन के नाम पे तुम भी शहीद हो जाओ। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद यार, महफिल को जमा दिए भाई, जिंदाबाद। वतन के नाम पे तुम भी शहीद हो जाओ। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ, मोहब्बत से समाप्त करें। मेरे साथ मेरा भाई शारिक मुवायमा से तशरीफ लाए हैं, और मुवायमा के एक नंबर के फुटबॉलर हैं, और इनके साथ भी मैं खेल चुका हूं, बहुत अच्छा। मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूं। समाप्त करें कि ना अमेरिका ना अफ्रीका ना पाकिस्तान बोलेगा। रज्जाक साहब, साजिद प्रतापगढ़ी साहब, जैद इलाहाबादी साहब, सारे लोगों से तवज्जो चाहता हूँ। शेर अगर आपके दिल में लग जाएगा तो मोहब्बत से नवाजिएगा कि ना अमेरिका ना अफ्रीका ना पाकिस्तान बोलेगा, ना अमेरिका ना अफ्रीका ना पाकिस्तान बोलेगा, वतन की सरहदों पर बस मेरा ईमान बोलेगा। वतन की सरहदों पर बस मेरा ईमान बोलेगा, ना अमेरिका ना अफ्रीका ना पाकिस्तान बोलेगा, वतन की सरहदों पर बस मेरा ईमान बोलेगा। अब मेरा तुम सर कलम करके वतन के नाम पर रख दो, लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान। वाह 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 भाई, वाह लहू का, वाह प्रिया भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। साजिद भाई क्या निजामत कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और चार मिसरे हाजिर करता हूं, समाप्त करें कि मायूस सुबह शाम कभी हम नहीं हुए, मायूस सुबह शाम कभी हम नहीं, मायूस सुबह शाम कभी हम नहीं हुए, लालच के जेरे दाम कभी हम नहीं हुए। मायूस सुबह शाम कभी हम नहीं हुए, लालच के जेरे दाम कभी हम नहीं हुए। आई मुसीबतें तो उन्हें झेलते रहे हर किस्म, मगर गुलाम कभी हम नहीं हुए। तालियां बजा के यार हौसले अफजाई करिए इसरार भाई, दाद दे दिए, मेरे लिए सनत की बात है। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ ये हालात पे, जो बहरहाल मैं किसी की तंज नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह जिनको नवाज दिया है तो कुछ लोग बदल जाते हैं। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। वाह वाह वाह, सुनिएगा कि जो बुजुर्गों को निशानी को मिटा देते हैं, जो बुजुर्गों के निशानी को मिटा, जो बुजुर्गों की निशानी को मिटा देते हैं, अपनी इज्जत को वो मिट्टी में मिला देते हैं। क्या बात है यार, क्या शेर समझिएगा, इंशाल्लाह आप लोग दुआएं से नवाजेंगे कि जो बुजुर्गों की निशानी को मिटा देते हैं, अपनी इज्जत को वो मिट्टी में मिला देते हैं। जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा यारो, वो गरीबों को निगाहों से गिरा देते हैं। बहुत बड़ा शेर यार, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ता हूँ, जो बुजुर्गों की निशानी को मिटा देते हैं, जो बुजुर्गों को निशानी को मिटा देते हैं,
अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा यारों, वो गरीबों को निगाहों से गिरा देते हैं, वो गरीबों को निगाहों से गिरा देते हैं। साजिद भाई का हुक्म है कि माँ के हवाले से शेर है मेरे पास, तो बोले कि राज भाई वो शेर जरूर पढ़ना, यहाँ पर मेरी बहनें भी बैठी हैं, अगर मेरी आवाज वो घर तक पहुँच रही है, वहाँ पे हमारी माँ बहनें अगर हमारी आवाज सुन रही है, अगर मुशायरा सुन रही है, अगर शेर उन तक पहुँच जाएगा तो दुआओं से नवाज दीजिएगा, मैं शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। कि सिवा रब के कोई पत्थर को गौहर कर नहीं सकता, चाचा मियां बहुत सच्चा शेर है, कि सिवा रब के कोई पत्थर को गौहर कर नहीं सकता, हकीकत है कि जर्रे को मुनव्वर कर नहीं सकता। सिवा रब के कोई पत्थर को गौहर कर नहीं सकता, हकीकत है कि जर्रे को मुनव्वर कर नहीं सकता। कोई माने ना माने पर हकीकत में यही सच है, हमारी परवरिश कोई माँ से बेहतर कर नहीं सकता।